हे गाइस व्हाट्स अप। तो आज के वीडियो में मैं कुछ ऐसे बातें करना चाहूंगा आपके साथ जो आपको पोकेमोन यूनाइट में कभी गलती नहीं करते। मान लो आप कोई भी मैच खेल रहे हो, चाहे वो स्टैंडर्ड हो, रैंक्ड हो या क्विक हो, अगर आपने उसे बीच में छोड़ा तो आपको एक मैसेज आता होगा पेनल्टी का। पर आपको पता है कि वो पेनल्टी से क्या नुकसान होता है हमें? अगर आपको नहीं पता है तो आपको ये जानना होगा कि असलियत में जब आप मैच को बीच में छोड़ देते हो, चाहे वो एक मिनट हो या दो मिनट के लिए, आपके कुछ पॉइंट माइनस होते हैं। जैसे कि मेरे 9 दिन पहले हो चुके हैं और मैं 71 तक गिर चुका था क्योंकि मैंने इस पे ध्यान नहीं दिया, और इसका बहुत बड़ा नुकसान भी है। समझ लो, अगर आपने 2 मिनट के लिए मैच छोड़ा तो मेरे लिटरली 2 पॉइंट माइनस हो गए, और लास्ट टाइम तो मैंने आधा मैच छोड़ ही दिया था तो मेरे 5 पॉइंट माइनस हो गए। मैं आपको दिखाता हूँ, लेकिन उससे पहले मेरा एक नया लेवल कंप्लीट हुआ है तो क्यों ना मैं उसका रिवॉर्ड कलेक्ट कर लूँ। ओ तो हमें ये 50 AM मिल गए जिससे कि मैं अपने आइटम्स को अपग्रेड कर पाऊँगा। चलो आपको मैं दिखाता हूँ कि असलियत में पेनल्टी से होता क्या है। जब मतलब आप अपने प्रोफाइल पे क्लिक करते हो, यहाँ पे फेयर प्ले पॉइंट है, जैसे कि मेरा अभी 97 है फेयर प्ले पॉइंट, और यहाँ पे लिखा हुआ है 90 to 100 पे मुझे हर दिन 20 कॉइंस का रिवॉर्ड मिलेगा, और अगर मैं 80 से 89 है तो मुझे रिवॉर्ड नहीं मिलेगा। और एग्जैक्टली अगर मैं 60 to 79 के बीच में आ गया तो मैं रैंक मैच नहीं खेल पाऊँगा, बिल्कुल नहीं। और अगर उसके बाद भी मैं गिर गया तो फिर मैं रैंडम बैटल नहीं सेलेक्ट कर पाऊँगा, यानी कि मुझे सिर्फ अपने फ्रेंड के साथ ही खेलना पड़ेगा। और यहाँ पे मेरा नेट हमेशा की तरह फिर से मर गया है, मैं रिलोड करता हूँ। तो चलो दोस्तों, मैं फिर से रिलोड करके आ गया हूँ, और अब मैं आपको दूसरी गलती के बारे में बताना चाहूँगा जो कि आपको नहीं करनी है। समझ लो आप कोई भी पोकेमोन के साथ खेलते हो, समझ लो चारिज़ार्ड हो या विनासोर हो, कोई भी हो, इनके पास इनकी पावर बढ़ाने का भी एक तरीका होता है जो कि मैं आपको अभी दिखाने वाला हूँ। क्या आप लोग तैयार हो? वो है इनके हेल्थ आइटम्स। जैसे कि मैंने यहाँ पे एप्पल रखा हुआ है जो कि इसकी हेल्थ बढ़ाता है, और यहाँ पे मैंने इसको हेलमेट भी पहनाया जो कि इसकी एक्स्ट्रा हेल्थ और हील करेगा इसे। और इसे आपको ध्यान से रखना होगा सेलेक्ट, और टाइम पे इनको अपग्रेड करना होगा जैसे जैसे आपको मिलेगा, क्योंकि अपग्रेड करने से इनकी हेल्थ और हीलिंग पावर और बढ़ सकती है। आपके पोकेमोन की जो स्पेशलिटी या फिर वो जिसमें कमज़ोर हो, आप वैसा आइटम उसको दे के उसकी पावर बढ़ा सकते हो, क्योंकि तो आपके दोस्त लोग जब आपको हरा रहे हों और आपको नहीं पता हो कि आपके पोकेमोन इतने कमज़ोर क्यों हुए, उसका रीज़न ये हो सकता है। जैसे आप देख सकते हो इन सब की अलग अलग स्पेशलिटी। और दूसरा चीज़, आप अपने पास एक्स्ट्रा पावर जो रखते हो जो कि है पोर्शन एक्स अटैक, तो आपको इन सब को बराबर से जानना होगा। जैसे स्लो मो स्मोक गोल सेटर, ये डबल कर सकता है आपके स्कोरिंग पॉइंट को थोड़े टाइम के लिए। फुल हील आपको किसी भी इम्पैक्ट होने से बचा सकता है, जैसे पॉइजन हो गया या फिर बर्निंग हो गया, उसे ठीक कर देगा। और हाँ, जब आप पोकेमोन खरीदते हो तो सबसे बड़ी गलती हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग कोई भी पोकेमोन ले लेते हैं, लेकिन हम लोग ये नहीं देखते कि वो इंटरमीडिएट है, बिगिनर है या फिर एक्सपर्ट है। जी हाँ, यहाँ पे तीन टाइप के एक्सपर्ट पोकेमोन होते हैं, एक्सपर्ट नहीं मतलब तीन टाइप के पोकेमोन होते हैं। जैसे कि मैं इसे देख रहा हूँ, ग्रीडेंट, एक ये एक एक्सपर्ट लेवल पोकेमोन है, यानी कि इसे मारना इतना आसान नहीं होगा। इसके पास और एक्स्ट्रा पावर होगी जो एक नॉर्मल पोकेमोन के पास नहीं होगी। जैसे कि ये विगलीटफ एक सपोर्टर है, लेकिन ये भी इंटरमीडिएट है, मतलब कि ये एक्सपर्ट का सामना नहीं कर पाएगी अकेले। जहाँ तक एक्सपर्ट का बात है, वो इन सबको हराने में अकेले ही काबिल होगा। तो ये थी दूसरी गलती जो आपको कभी नहीं करनी है। हमेशा पोकेमोन वही खरीदे, और ख़रीदने से पहले एक बार ज़रूर चेक कर ले कि आपको कौन सा पोकेमोन फ्री मिलने वाला है। जैसे कि अभी मैं इवेंट में जाके देखूंगा तो मुझे ग्रीडेंट फ्री में मिलने वाला है, तो मैं क्यों फोकट में 8000 कॉइन दे के उसे खरीदूँ? और रही बात ये कि आपके कितने मिनट में कितने पॉइंट माइनस होंगे, तो ये बात है, अगर आपने गेम स्टार्ट होते ही मैच लीव कर दिया, थोड़े टाइम बाद वापस आ गए, तो आपके सिर्फ 2 पॉइंट माइनस होते हैं। लेकिन अगर आपने मैच स्टार्ट होते ही आधा मैच लीव कर दिया तो 5, और पूरा मैच लीव कर दिया तो आपके पूरे 8 पॉइंट माइनस हो जाएंगे। इसलिए आपको ध्यान रखना है कि कभी भी मैच छोड़ना नहीं है, क्योंकि इससे नुकसान सामने वाले का नहीं, आपका भी होगा। इन सब जानने के बाद आपके मन में ये सब बहुत चल रहा होगा कि अब मुझे समझ में आया कि हार तक क्यों थे,
चूमे इतनी बार हारते थे, मेरी पोकेमॉन कमजोर क्यों थी? अगर आपको थोड़े से भी वीडियो अच्छे लगा हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना और सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं जाता हूँ, मुझे बहुत लेट हो रहा है, तो तब तक के लिए बाय बाय, अगले वीडियो में मिलते हैं। अच्छा, हमको सिखा रही है।